हैदर, मेरा इंतकाम लेना हैदर मेरे भाई से। उसकी दोनों आंखों में गोलियां दागना, जिन आंखों से उसने तुम्हारी माँ पे फरेब डाले थे। वेल फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लाइंस छोड़कर चले गए हैं हमारे लिए नरेंद्र झा जी। यूजुअली मैं मानता नहीं इन चीज़ों में कि मैं किसी की मौत को लेके यू नो सिंपथी जताऊँ अपने चैनल पे या फिर टीआरपी लेने की कोशिश करूँ, ऐसे दूसरे मीडिया हाउसेस करते हैं। मैंने श्रीदेवी जी जब उनका भी डेथ हुआ तब वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन गाइज मिस्टर नरेंद्र झा हैज स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस एस्पेशली इन माई लाइफ, बिकॉज जो कैरेक्टर और जो डायलॉग वो हैदर में बोल के चले गए थे, यू नो ये वाला कि हैदर मेरा इंतकाम लेना, दोज लाइन्स स्टे विथ मी। आई मीन गुलजार के जो लाइन्स थे, विशाल भारद्वाज जी की मूवी थी, जब भी मैं वो लाइन्स सुनता था एक बॉडी में एक ब्लड बॉयल जैसा आता था। और आज जब हमको पता चला है कि नरेंद्र झा जी हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, इट फील्स बैड। आई मीन बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो जो नहीं रहा इस दुनिया में, इट फील्स बैड एंड ही इज़ वन ऑफ देम। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, मैंने लास्ट शायद उनको रईस में देखा था शाहरुख खान जी के साथ, काबिल में थे, वो पुलिस ऑफिसर बने थे। लेकिन जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर मेरा उनको लगा था वो था शाहिद कपूर्स फादर इन हैदर, एंड हु कैन फॉरगेट हिज परफॉर्मेंस यू नो इन गायल वंस अगेन, जहाँ पे वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बने थे। बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत ही कम उम्र में वो चले गए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही यू नो कि सब लोग ये लिख रहे हैं कि रे स्त्री के एक्टर नरेंद्र झा का देहांत हुआ, साहू के एक्टर नरेंद्र झा का देहांत हुआ। आई मीन क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। 10,000-15,000 व्यूज मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी इंसानियत जो है ना वो दिखती है इसमें कि तुम लोग व्यूज के लिए कितने भुक्के हो। इट डजेंट मैटर कि वो रेस थ्री में थे, वो साहू में थे, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री ने एक बहुत ही यू नो काबिल एक्टर को खो दिया है, जिसके वजह से हमारी इंडस्ट्री अब पहले जैसी रईस नहीं रहेगी। आई होप नरेंद्र झा जी को यू नो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो वो खुशी हो। रेस्ट इन पीस मिस्टर नरेंद्र झा। इस वीडियो को मैंने लाइक करने कहूँगा, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने कहूँगा। ये वीडियो मैंने अपने सुख के लिए बनाया कि पहुँचूँ।